से एक हिस्से छोटा और एक हिस्से बड़ा, आधे से ज्यादा कट करना है। कितना कट करना है? आधे से मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा कट करना है। ऐसे नहीं कि घर पे जाके इसी पर गुस्से के मारे पूरा ही काट दे, दो नहीं करना है, घुमाना है और एक कैपिटल वी की तरह कट करना है। कौन सा कट करना है? कैपिटल वी की तरह ऐसे कर सकते हैं आप लोग ऐसे कट, और घुमाना है और बड़े वाले हिस्से में कैंची रखना और सीधा स्ट्रेट यूं कट करना है। तो इसके अंदर सिर्फ दो कलर के पेपर है, कितने कलर के? तो बताएंगे दो कलर कौन से है? लाल और हरा। जितने हरे वाले उसे अलग करोगे, जितने लाल है उसे अलग करोगे। लाल के बीच में हरा या लाल आ जाता है निकाल के हटाओगे, और जितने लाल वाले पेपर है ऊपर से आधा गुलाई में आप लोग ऐसे कट करोगे, बस ऐसे कर सकते हैं आप लोग ऐसे कट। और हरे वाले पेपर को मिलाना है, और घर में चाकू चम्मच सभी के घर में होता है, आप लोग उसको देख के ऐसे कट करेंगे, एक पत्ती बना लेंगे। और पेन पेंसिल सभी के पास है, बोल रहे है कि नहीं है? जोर से बोलिए, पेन या पेंसिल लेना है और लाल वाले पेपर पे रखना है, और सभी पेपर को अपने हाथ से यूं दाबना है, ऐसे प्रेस करना है। कर सकते हैं आप लोग ऐसे प्रेस, और पेन को हटाएंगे। और आप लोग मेरी बात को याद रखिए, वो कौन सी बात है कि हमें पाइप को टाइट नहीं पकड़ना है, ढीला पकड़ना हो जो पहले रंग का पेपर होता है, आज से आज ऊपर की ओर बाहर खींचना है। क्या करना है? ऊपर की ओर बाहर खींचना है। तो बताएगा आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? अच्छा। तो इस पेड़ का हमने नाम रखा है अंगूर का पेड़। कौन सा पेड़? कौन सा पेड़? अंगूर का नहीं, अंगूर का। अच्छा लगा है, रखोगे? अच्छा नहीं, इसे तोड़ना फेंकना नहीं, दूसरा बनाना है, नीचे बताना है, जहाँ से चाहिए आज से आज से घुमाना है, उससे भी अच्छा दूसरा पेड़ तैयार। तो बताएगा आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? इस पेड़ का भी हमने नाम रखा है दिल्ली का फेमस कुतुब मीनार। कौन सा फेमस? दिल्ली का फेमस कुत्ता बीमानी कुतुब मीनार। अच्छा लगा, इसे रखोगे नहीं, अच्छा इसे तोड़ना फेंकना नहीं, तीसरा बनाना है, कुछ पेपर खराब उसे काटोगे, नीचे प्रेस करोगे, बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल तैयार। तो बताएगा आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? तो ऐसे बना बना के आप अपने सर लोग को, अपने बड़े सर को देंगे, तो बड़े सर और सर लोग आप लोग को क्या बोलेंगे? थैंक यू। और अभी भैया कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। ऐसा कोई बड़ा गिफ्ट नहीं लाए, छोटा सा गिफ्ट है, बड़े सर को देंगे और सर के लिए तालियों से स्वागत करोगे, अभी नहीं देने के बाद। आप खड़े हो जाओ, जो सर हैं उनको देके आऊँगा। हाँ, बड़े वाले से घर लेके मत जाना। आप लोग अपने हाथ से रोल बनाओगे, क्या बनाओगे? बना सकते हैं आप लोग रोल ऐसे? वेरी गुड, बस अपने हाथ से रोल बनाना है। और मैं बता दूं, मेरे पास कोई एक दो आइटम नहीं है, टोटल आइटम है 25। कितना आइटम है? 25। और समय जरा कम है, क्या है? समय जरा कम है। वो कैसे कि आपके आजू बाजू पास में और कोई स्कूल है सरकारी प्राइवेट, तो वहाँ पे जाके कार्यक्रम फिर से बताना है। और 25 आइटम हम आपको 10 या 15 मिनट में बताएंगे, तो आप मेरे ख्याल से 2-3 आइटम यहाँ पे याद रखोगे। रखोगे कि नहीं रखोगे? वो कैसे, कुछ देर के बाद आप लोग का छुट्टी होकर घर जाओगे और आपस में बातें करोगे। क्या करोगे? और बातें करते करते 25 आइटम को क्या करोगे? भूलेंगे नहीं, आप लोग भूलेंगे नहीं बेटे, आप लोग सीखोगे। क्या करोगे? सीखेंगे। अपने सभी सर लोग का और अपने बड़े सर का और आपके स्कूल का नाम होगा और आप लोग का नाम होगा। पढ़ाई के साथ थोड़ी सी कला जरूर सीखना है। हमने बातों में कितने पेपर का रोल किया है? घर में छोटा बड़ा क्या लेना है? कैची। कैची की सपोर्ट से एक हिस्से छोटा और एक हिस्से बड़ा, आधे से ज्यादा। कितना कट करना है? आधे से ज्यादा। और एक सेम आधे से ज्यादा। तो बताएंगे कट कितने हो गए? दो। पाइप बन गए 3। कितने बन गए? 3। दोनों पाइप को नीचे बैठाओगे और बीच वाले पाइप में कैची रखोगे और सीधा स्ट्रेट यूं कट करेंगे, बस ऐसे कर सकते हैं आप लोग ऐसे कट। और पेपर को मिला के अपने हाथ से प्रेस करेंगे ऐसे, और एक पाइप को ऐसे बैठा लेंगे और एक पेपर को पकड़ के हमें सीधा नहीं खींचना है, बिल्कुल ऐसे टर्न बाय टर्न करना है। तो हमारे सामने एक अशोक चक्कर तैयार, जैसे हम लोग एक झंडे के अंदर एक अशोक चक्कर देखते हैं, ये देखिए। तो बताएगा आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? ऐसे बना बना के आप अपने स्कूल अपने कॉलेज में रखोगे, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? ये दूसरा डिजाइन है। मेरे पास कोई एक दो आइटम नहीं, टोटल आइटम कितने हैं? 25। और समय जरा कम, फिर देखोगे तो क्या चीज है? कंकाल। इस पे रखोगे, इनका डांस है ढिंगा चिका। ये बुक आप लोग को इंटरेस्टिंग है, ये आप लोग लेना चाहते हो, ये बुक आप लोग कहाँ से मंगाओगे? दिल्ली से। तो इन बुक का कीमत होता है 80 रुपए। कितना होता है? पर आज और अभी किसी